कि उदयभान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज पिछड़े का परसेंटेज बड़ा है और किसान है ये कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया यार, उसी के बुखलाट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुयोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। हमला किया और आज हमला नहीं किया, मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा था, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था और जिस तेजी से जो उदयभान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी उससे जो तेजी आई उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई, वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो आ रहे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही दे रहे हैं, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार आ रहे हुए फेंक रहे हैं, और उनको ये सोचा नहीं कि ये जो चुनाव है इसका मैं ज्योग्राफिया आपको बताऊं कि इसमें बिश्नोई जाति के लोग हैं 30,000, 5,000 अन्य उनसे संबंधित, 35,000 को अगर छोड़ दें हम, वो जिस तरह का जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको मैं अदरवाइज में कह दूं 1,35,000 में कांग्रेस ने वोट मिले हैं 52,000 और बीजेपी ने 1,35,000 में वोट मिले हैं एक सिर्फ 35,000 32,000 सिर्फ 32, कांग्रेस में 52, तो ये तो एक सीट की है, क्योंकि जो 35,000 वोट हैं ये तो 89 सीट में नहीं है ना। तो आपने मुताबिक बिश्नोइयों के वोट की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं, कौन कहता है आप कह रहे हो भाई नहीं दी उन्होंने, नहीं बाकी जगह है नहीं ना, बाकी जगह है नहीं, मैं ये कह रहा हूं सिंह साहब ये बाकियों की जगह वहां है ही नहीं, अगर कैथल में जाओगे जींद में जाओगे बिश्नोई तो नहीं है, फतेहाबाद में कितने हैं नहीं चाहिए, वो तो जो कैंडिडेट होगा तो उसके हिसाब से मिले, मैं शहर की बात बता रहा हूँ आदमपुर की, अगर उन्होंने और जातियों में नहीं चाहिए क्या बीजेपी ने, अकेला बिश्नोई चाहिए, अबे अगर अगर यही बात है तो बीजेपी ने बांटा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके की बदतमीजी बिश्नोई जाति के लोगों ने दलित समाज के साथ और मेरे साथ किया है, आप बड़ा सीवर तेजी करते हो, इस बात पर नहीं विचार करते कि इस तरीके से जातीय दंगे फैलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा 2024 में, और जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई का देख लो कौन जाती है, जितने नाम है उस एफआईआर में, एफआईआर तो कटने नहीं दिए अब तक, डीडीआर है, मतलब ये है एक तरफ से तो बीच साहब कहते हैं कि जो कंप्लेंट करेगा एफआईआर तुरंत दर्ज करो, अगर एफआईआर दर्ज ना करो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं केंद्र में मंत्री रहा, 3 बार एमपी रहा, 2 बार एमएलए रहा, पुलिस को मैंने सारी सीडी दे दी, उन लोगों की फोटोएं आ गई, पत्थर उठाते हुए की भी आ गई और पत्थर लगते हुए की भी आ गई, और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां खड़ी थी, अगर किसी ने थोड़ा सा डंडा भी किसी ने चलाया हो तो। ये जात पात का जहर बीजेपी फैला रही है बिश्नोई नॉन बिश्नोई के बीच में, या हम मैं जयप्रकाश फैला रहा है जी, पैंसठ उसने तो ये कहा था 35,000 से कम जीत्या मैं जीत नहीं मानूंगा, नहीं मैंने गणित बता दिया, गणित तो यही था कि उन्होंने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग बताता हूं मैं, हमारे एजेंटों को उठा लिया गया, हमारे जो पोलिंगों के ऊपर थे आपको याद होगा हमारे विधायक है बालू इंदुराज, उसको चूड़ी बागड़ियान से उठाकर के हंसी छोड़ दिया,
हमारे अनिल मान हैं, उनको बाढ़ समझ से उठा करके चौकी में बंद कर दिया। हमारे सुबे सिंह हैं, उनको उठा करके सदर थाने में बंद कर दिया। यानी कि पोलिंग वाले थे ना, हमारे कार्यकर्ताओं को जो पोलिंग वोटिंग करवा रहे थे उनको जेल में डाल दिया, अवालतों में बंद कर दिया। और जब मैंने एसपी से बात करी, अगर एसपी मना करता है तो मेरी कॉल डिटेक्ट न करके लोगों के बीच में रखूंगा। यानी के हरियाणा हिसार पुलिस ने जिस तरीके से हमारे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को हवालातों में बंद कर दिया, थानों में बिठा लिया और पैसे का दुरुपयोग